एकतरफा प्यार में संकी युवक द्वारा जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल 11वीं की छात्रा की सोमवार रात को मौत हो गई। मंगलवार को छात्रा का 16वां जन्मदिन था। आरोपी ने थप्पड़ का बदला लेने के लिए छात्रा पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। छात्रा पर कुल्हाड़ी से 5 से ज्यादा वार किए गए थे। वारदात के बाद आरोपी प्रदीप उर्फ प्रवीण को पलवल में अपनी बहन के घर जाकर छिपा था, जहां से साउथ कैंपस थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण पश्चिमी जिला DCP इंगे प्रताप सिंह के अनुसार सोमवार दोपहर करीब 1:20 साउथ कैंपस पुलिस को PCR कॉल के माध्यम से सूचना मिली थी। इसमें बताया गया कि मोतीबाग की झुग्गियों के पास एक लड़की की हत्या कर दी गई है। लड़की की उम्र 16 वर्ष है। वहीं आरोपी 20 वर्षीय प्रवीण है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। यहां पता चला कि लड़की को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है, जहां अब भी उसकी सांसें चल रही हैं। सूचना पर पहुंची साउथ कैंपस थाना पुलिस ने घायल किशोरी के पिता के बयान पर हत्या के प्रयास की धारा में केस दर्ज कर छानबीन शुरू की। इधर देर रात किशोरी की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर चंद्रशेखर, इंस्पेक्टर मदन लाल मीणा और SHO साउथ कैंपस की 3 टीम बनाई। टीम ने आरोपी को पलवल हरियाणा से उसकी बहन के घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर कुल्हाड़ी बरामद कर ली है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो छात्रा से दोस्ती करना चाहता था, इसलिए अक्सर छात्रा का पीछा करता था। प्रदीप अक्सर घर आते जाते किशोरी को रोक कर दोस्ती करने के लिए कहता था। बात करने के लिए आरोपी ने छात्रा को कई बार रास्ते में रोका भी था। छात्रा ने माता पिता को मौके पर बुला लिया था। छात्रा के पिता ने आरोपी को बीच सड़क पर उसके दोस्तों के सामने थप्पड़ मार दिया था। आरोपी को लगा कि उसकी बेइज्जती हो गई। उसने किशोरी को धमकी दी थी कि वो जन्मदिन से पहले उसकी हत्या कर देगा। आरोपित 12 जुलाई की दोपहर को कुल्हाड़ी के साथ पीड़िता के घर के पास पहुंचा। जैसे ही लड़की घर से निकली, आरोपित ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और वहां से फरार हो गया। किशोरी के पिता ने बताया कि आरोपी कई माह से उनकी बेटी का पीछा कर रहा था। मना करने पर नहीं माना तो उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया था। इसका बदला लेने के लिए उसने उनकी बेटी को मार डाला। नाबालिग के पिता का कहना था कि अगर वो समय रहते पुलिस को बता देते तो शायद आरोपी पहले ही पकड़ा जाता और उनकी बेटी आज जिंदा होती। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।